अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। बताया अब ये जा रहा है कि घुसपैठिया भारतीय सीमा से 500 मीटर भीतर बनी हुई सुरक्षा फेंसिंग तक पहुंच चुका था, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने आवाज लगाई तो वो छुपने की कोशिश करने लगा। उसके बाद जवानों की तरफ से फायरिंग हुई। घुसपैठिए ने बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग की या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वो तस्करी के मकसद से ही भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था। घुसपैठिए के पास इम्पोर्टेड गन भी थी। इस साल का पहला घुसपैठ का यह प्रयास है जो बीएसएफ ने विफल कर दिया है। फिलहाल बीएसएफ शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई की शुरू कर चुकी है। होशियारपुर के रहने वाले मोहित शर्मा नाम के युवक की कनाडा में हत्या कर दी गई। मोहित 5 साल पहले पढ़ाई के लिए कनाडा गए थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद वहीं पर नौकरी करने लगे। परिजनों के मुताबिक न्यू ईयर के मौके पर अज्ञात लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद मोहित को मार डाला। मोहित की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में मातम का माहौल है। परिजन इस मामले में भारत और कनाडा सरकार से इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। कनेडा जो हूँ भाजी पता कुछ नहीं है भी लुट्टा खोहाल ने करता कम जो क्या वो गहने पर्स मोबाइल सब कुछ लै गए उन्होंने यार जो गड्डी खड़ी करके तो बिच पिछली सीट पर लम्मा पा के छड़ के चल गए। कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था जो दूए दिन सवेरे उठे न्याणे तो इन्होंने फोन किया कहते भी भाजी फोन नहीं चक रहा। फिर वो कमरे पर आए कमरा भी बंद सगा उठे भी है नहीं। फिर इन्हें आले दुआले वो 3-4 यार दोस्त से उन्होंने फोन किया सारे जने लंबर लाता है साड़ी भाण जी जो आई मेरा भाण जी का घर वाला वो दोस्त वगैरह सारे ब्रह्मटन तो टिमन हट गए।